मैं इस वक्त तेल अवीव के पास एक गांव में हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन आर्म्स इन इज़राइल, एंड ये उनका एनिमल रेस्क्यू विंग है। यहाँ ये लोग जो जानवर जो पेट्स फंसे रह गए थे किबुस में गांव में टेररिस्ट हमले के बाद, जहाँ से लोग भागकर आ गए थे या मार दिए गए थे, ये लोग उन जानवरों को रेस्क्यू करने का बचाने का काम करते हैं। आप देखेंगे आसपास यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, कुछ अभी बचा के लेके आए गए हैं और फिर वह लोगों को आगे शेल्टर्स में भेज देते हैं या लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ इस सेंटर के इंचार्ज के साथ में हूँ। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? आतियान। आतियान मेरे साथ में है। आतियान, व्हाट डू यू डू एक्चुअली? कैन यू प्लीज से, यू कैन से इट इन इंग्लिश, आई कीप ट्रांसलेटिंग। सो वी हैव रेस्क्यूड हाउसहोल्ड पेट्स। ये जानवरों को बचाते हैं जो कि पेट्स थे लोगों के उस इलाके में। Dog, cats, rabbits that were left behind when families were killed in the areas around Gaza. कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, birds जो उस इलाके में रह गए थे, पीछे छूट गए थे, ये उनको बचा के लेके आते हैं। और We bring them here and here they are checked by vets and are then adopted and are taken to families and centers. ये एक कुत्ता है जो इन्होंने रेस्क्यू किया है। आप देख सकते हैं इन्होंने इसको ड्रिप लगा रखा है। ये कई दिन से इसे खाना नहीं मिला था जो बताया गया है मुझे, और डिहाइड्रेटेड था, और इसको अभी इन्होंने ड्रिप लगाया है ताकि ये बच सके। काफ़ी बुरी हालत में था ये कुत्ता, और काफ़ी लोगों ने अच्छा काम किया है। यहाँ पे देखिए, अब इस दूसरे डॉक्टर कुत्ता जो उन्होंने रेस्क्यू किया है उसका इलाज चल रहा है, उनको ये किसी तरह संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ इंसानों को नहीं जानवरों को भी ज़रूरत है। Huh? You don't want to adopt her? I would love to, but I don't live here. Oh, yeah. you're a journalist. I'm just a journalist, yeah. But I would have loved to. It's yeah. such a beautiful dog, yeah, you know. Sweetheart, yeah. Yes, yeah. I would have loved to. Yeah. तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग ये काम कर रहे हैं जानवरों को बचाने के लिए, उनको उनका ट्रॉमा कम करने के लिए। और बहुत से कुत्ते हैं यहाँ पे, देखिए कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, खरगोश हैं। ये देखिए, ये भी एक अभी इन्होंने रेस्क्यू किया है थोड़ी देर पहले। और अगर आप देखें वहाँ बहुत सारे जानवर हैं चारों तरफ। ये देखिए जो ये रेस्क्यूड जानवर हैं उनके, जो इनको जहाँ इनिशियली रखा जाता है, आप देख पा रहे हैं, देखिए चारों तरफ। और जैसे जैसे आते हैं इनको ले जाने के लिए भी लोग तैयार हैं अडॉप्ट करने के लिए या फिर शेल्टर होम में भेजने के लिए। ये देखिए, ये जानवर भी ट्रॉमा फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं। यहाँ आने के बाद उनका जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वेट, वो उनको जांच करते हैं कि उनकी हेल्थ ठीक है या नहीं है, और उसके बाद उन्हें आगे शेल्टर्स में भेजा जाता है या लोग उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन आर्म्स सेंटर से, एनिमल रेस्क्यू सेंटर से, राजेश पवार आज तक के लिए।